हेलो दोस्तों, मैं राजेश चौहान, माय यूट्यूब चैनल बुलेट मास्टर। दोस्तों आज मेरे पास BS6 क्लासिक है और आपको पता है BS6 क्लासिक में RPM कितना तेज़ रहता है। दोस्तों आज हम आपको BS6 क्लासिक का RPM किस तरीके से कम करते हैं दोस्तों वो करके दिखाऊंगा। दोस्तों ये रही गाड़ी, वो BS6 जिसका RPM हमें स्लो करना है। आप देख सकते हैं गाड़ी BS6 है ये, और गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाता हूँ इसका RPM भी कितना तेज रहता है। ये चाबी ऑन कर ली हमने, बाकी इसका RPM किस तरीके से कम करते हैं दोस्तों वो भी मैं दिखाता हूँ। इसे खोल लेते हैं दोस्तों। इसके एलएनजी नट है दोस्तों, खोल लेने हमने कैलिंग डोर। एक दुकान लगाना और इसकी टाई बेल्ट है, इसको दोस्तों ये आ गई हमारी थ्रॉटल बॉडी बाहर, आप देख सकते हैं। अब इसका RPM किस तरीके से कम करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों जो हम इसमें टेप यूज कर रहे हैं आप देख सकते हैं, मास्किंग टेप है, और बहुत से वो तार वाली जो टेप है वो यूज ना करेंगे।
आप देख सकते हैं कि हमने टेप लगा दी है। बाकी इसको फिटिंग करते हैं। बहुत से भाई कह रहे थे कि BS6 का RPM किस तरीके से कम होता है, इस पर वीडियो बनाइए। बाकी हमारी फिटिंग हो चुकी है, अब गाड़ी करते हैं स्टार्ट और फिर आपको दिखाते हैं। गाड़ी की चाबी करते हैं ऑन, गाड़ी करते हैं स्टार्ट दोस्तों। दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से RPM स्लो होता है इसका, लेकिन ये काम हमें नहीं करना चाहिए दोस्तों। इसे करने से हमारी गाड़ी ना तो खुल के चलती है और बहुत सी दिक्कतें आती हैं। और बहुत से भाई, तुमने देखा होगा वीडियो में दिखाते हैं, बहुत से भाई यहाँ पीछे एक पेच होता है उसे लूज करते हैं और कहते हैं कि इससे RPM कम हो गया है। वो यहाँ के सुराख बंद कर देते हैं और वहाँ उसकी चूड़ी कटवा के दूसरा बोल्ट लगा देते हैं दोस्तों, और पहले ही रेस बढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद नट ढीला करके और RPM कम करके दिखाते हैं आपको। और आप सोचते होंगे कि उस नट से इसका RPM कम होता है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इसके सुराख बंद कर देते हैं, फिर उसके बाद उसमें चूड़ी कटवा के दूसरा बोल्ट लगा देते हैं इधर की तरफ। आपने बहुत सी वीडियो में देखा होगा दोस्तों। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। फिर मिलता हूँ दोस्तों आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।